जाता है। ये तस्वीर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना कि ऐसे सिस्टम के साथ पुलिसिंग करना कितना समस्यात्मक होगा, कितनी समस्या होती होगी कि जब एक पुलिस वाहन को उसकी गेट में रस्सी बांधकर उसको लाया जाता होगा। हम अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज सदर अस्पताल में, मेरे पीछे एक वाहन दिख रही है। इस वाहन को मैं पहले दिखा लूँ कि इस पर नंबर प्लेट नहीं है और इस पर पुलिस लिखा हुआ है, यानी जानकारी के मुताबिक ये वाहन जो है यादवपुर थाने की है। इसमें एक कैदी को लाया गया है यहाँ कोरोना जांच के लिए। अब इस वाहन की हम पूरी तस्वीर दिखाते हैं, ज़रा देखिए कि किस तरह से ये वाहन चलने के कंडीशन में नहीं है। एक तो नंबर प्लेट नहीं है, ऊपर से ये वाहन चलने के कंडीशन में नहीं है। हम अंदर की तस्वीर जो दिखाते हैं कि पीछे का गेट जिसमें कैदी को बिठाते हैं, उस गेट को किस तरह से रस्सी से बांधा गया है। ये तस्वीर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना कि ऐसे सिस्टम के साथ पुलिसिंग करना कितना समस्यात्मक होगा, कितनी समस्या होती होगी कि जब एक पुलिस वाहन को उसकी गेट में रस्सी बांधकर उसको लाया जाता होगा। हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब इसमें वो कैदी को लेकर वो लोग बैठेंगे और जाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हम बिहार सरकार की पुलिसिंग से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो हाईटेक वाहन से अपराधी भाग जाते हैं, वैसे वाहनों को ऐसे वाहन से कैसे पकड़ा जाएगा? अब सवाल ये है कि क्या ये बिहार सरकार की द्वारा दी गई वाहन है या फिर पकड़ी गई वाहन है? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। अभी जो लोग इस वाहन को लेकर आए हैं उनसे बात करेंगे और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरे जो यादवपुर की पुलिस है और इस कैदी को लेकर यहाँ पर आए हैं लोग। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ इनको लाया गया है और इस वाहन को जो है रस्सी से बांधा है। सर, कौन से थाने से आए हैं? यादवपुर से। ये जो गाड़ी दिख रही है इसमें पीछे का गेट रस्सी से बांधा गया है, कैसी गाड़ी है जो पुलिस? हम तो नया अभी आए हैं, बता नहीं पाएंगे ना, जो पहले से लोग हैं बता पाएंगे। तो इसमें कैदी भाग नहीं जाएगा पीछे रस्सी से बांधा गया? नहीं, बीच में था वो कैदी। थाने की गाड़ी नहीं मिलती है क्या? गई है गश्ती में सर, गश्ती में गई है। तो ये वहाँ के एसआई थे जो लेकर आए थे और ऐसी तस्वीरें देखिए कि कैदी को बिठाया गया है और यही वो वाहन है जो यादवपुर से लेकर आया गया है। तस्वीर दिखाइए ज़रा, इसमें कैदी बैठे हुए हैं और ऐसी हालात में पुलिसिंग करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि इनके लिए चुस्त दुस्त व्यवस्था करे और इन्हें जो है वाहन मुहैया कराया जाए। इनसे भी बात करेंगे। कहाँ, कौन से थाने की गाड़ी है? यादवपुर थाना की है। तो ये दूसरी वाहन नहीं मिलती है, गाड़ी चल पाएगी क्या? चलती है सब, ठीक है गाड़ी, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं। पीछे का गेट में रस्सी लगाया गया, वो तो आज टूट गया है, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर कैदी बिठाते होंगे तो भागते नहीं होंगे? नहीं, ऐसे कैसे भाग जाए? डर नहीं लगता है कि कैदी भाग जाएगा, रस्सी बंधा हुआ है टूट जाएगा? सुबह टूटा हुआ है। अच्छा, गेट टूट गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे का कोई वाहन आएगा? एक कैदी आगे बैठाए हैं। नहीं, कोई वाहन आ रही हो, गेट टूटेगा तो गेट से एक्सीडेंट हो सकता है? ऐसे कोई बात नहीं। थाने में गाड़ी नहीं है क्या? थाने में गाड़ी है? गाड़ी है, गाड़ी रस्सी तो आती थोड़ी। तो ये थाने की गाड़ी है? कैसी गाड़ी है? थाने का गाड़ी है। थाने की, क्या नाम है आपका? सोमनाथ। कौन से पद पर हैं? चौकीदार है, चौकीदार है। ये सोमनाथ जी थे, चौकीदार हैं, तो बता रहे हैं कि थाने की गाड़ी ही है और इसी गाड़ी में ऐसे परिस्थिति में इनको काम करना पड़ा है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल होगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़ गोपालगंज से आयाज अहमद।